मूवी के स्टार्टिंग में हम केट नाम की एक लड़की को देखते हैं। केट एक टीचर होती है। एक दिन क्लास में वो एक लड़के को देखती है। वो लड़का पीछे बैठकर कॉमिक्स पढ़ रहा था। ये देखकर केट उससे सारे बच्चों को कॉमिक्स पढ़ के सुनाने के लिए कहती है। फिर सारे लोग उस कॉमिक्स बुक को सुनने लगते हैं। तभी वहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो केट को बच्चों के साथ मस्ती करते हुए देख लेता है। इसके बाद वो केट को अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है, तुम देखने में काफी सुंदर हो और तुम्हारे जैसी लड़की को टीचर नहीं होना चाहिए। असल में प्रिंसिपल उसे जॉब छोड़ने के लिए कह रहा था। दूसरी ओर हम मेग नाम की एक और लड़की को देखते हैं। वो एक सेल्स कंपनी में सेल एम्प्लॉय होती है और वो एक कंपनी में अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए गई थी, लेकिन वो अपने सामान को बेच नहीं पाती है और इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो देखती है पुलिस उसकी गाड़ी को उठाकर ले जा रही है, क्योंकि उसकी गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। फिर शाम में केट अपने घर पे आती है। घर आकर वो देखती है मैग वहाँ पे डांस कर रही थी। यहीं पे हमें मालूम चलता है ये दोनों दोस्त हैं। फिर केट उससे आज के दिन के बारे में पूछती है। इस पर मैग कहती है आज का दिन बहुत ही गंदा था, क्योंकि आज मेरा एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका और पुलिस मेरी गाड़ी को भी उठाकर ले गई। इसके बाद केट अपने बारे में बताती है। वो कहती है मेरा दिन भी बहुत ही गंदा था, क्योंकि आज मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैग केट को उठाती है और वो कहती है हमें आज कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, ताकि हम दोनों का मूड ठीक हो जाए। केट उससे कहती है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इस पर मैग कहती है मैंने प्लेन के टिकट्स बुक कर लिए हैं और 3 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। इसके बाद ये लोग दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर दोनों देखते हैं यहाँ बहुत लंबी लाइन है। ये देखकर इन दोनों को ऐसा लगता है अगर हम लाइन में लगे रहे तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तभी मैग को एक आइडिया आता है और वो एयरपोर्ट के एक स्टाफ के पास जाती है और उससे प्यार भरी बातें करने लगती है। वो स्टाफ भी इसकी बातों में आ जाता है और इन दोनों को बिना लाइन में लगे अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है। इसके बाद दोनों आकर प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एक आदमी आकर इन दोनों के बीच में बैठ जाता है। उस आदमी का नाम रैन होता है। रैन इन दोनों से बातें करने का ट्राई करता है। ये दोनों भी इंटरेस्ट लेकर उससे बातें करने लगती हैं। रैन इनसे कहता है वो अपने दोस्त की शादी में फ्लोरिडा जा रहा है। थोड़ी देर बाद इन दोनों को ये मालूम चलता है फ्लोरिडा में तेज तूफान और बारिश हो रही है, इसलिए प्लेन फ्लोरिडा तक नहीं जा सकती और इसलिए प्लेन को सेंट लुइस में ही उतार दिया जाता है। इसके बाद ये दोनों सेंट लुइस में ही एक होटल बुक करती हैं। यहाँ मैग कहती है हमारा सामान एयरपोर्ट पे ही मिस हो गया है। फिर ये लोग रूम जाने के लिए होटल के लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट में इन्हें फिर से रैन मिलता है। रैन को देखकर ये दोनों काफी खुश होती हैं। रैन भी इन दोनों को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। ये दोनों रैन से कहती हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पर रैन उन दोनों से कहता है मेरे दोस्त की शादी में अभी टाइम है और इसलिए मैं यहाँ पे इंजॉय कर रहा हूँ। फिर रैन इन दोनों को शाम के ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। ये दोनों भी रैन के ऑफर को मान लेती हैं। लेकिन मैग यहाँ पे ये सोच रही थी मेरा सामान तो एयरपोर्ट पे ही गुम हो गया है और मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, और इसलिए वो केट से हेल्प मांगती है। लेकिन केट उससे कहती है मेरे पास बस एक ही ड्रेस है, और ये कहते हुए केट मैग को मना कर देती है। शाम होते ही केट पार्टी में पहुंच जाती है। यहाँ पे रैन उससे मैग के बारे में पूछता है। केट उससे कहती है मुझे मैग के बारे में नहीं मालूम। तभी मैग भी यहाँ पे पहुंच जाती है। मैग ने साड़ी पहन रखी थी और वो इस साड़ी में काफी हॉट लग रही थी। तभी ये लोग न्यूज में देखते हैं फ्लोरिडा में मौसम और भी खराब हो चुका है और इस वजह से वहाँ की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। साथ ही उन्हें न्यूज से ये भी मालूम चलता है फ्लोरिडा में 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। ये देखकर रैन काफी उदास हो जाता है। रैन को उदास देखकर ये दोनों उससे कहती हैं हम दोनों यहाँ पे तुम्हें इंटरटेन करेंगे और तुम्हें अलग अलग तरह के मजे भी देंगे। इसके बाद ये दोनों रैन के सामने डांस करने लगती हैं। डांस करते हुए मैग का पल्लू सरकने लगता है और इसके बाद सब लोग उसके मोमोज को देख लेते हैं। पार्टी के बाद ये लोग अपने अपने कमरे के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही मैग और केट के बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि ये दोनों अब रैन को पसंद करने लगी थी। नेक्स्ट डे हम मैग को देखते हैं। वो रैन के पास आती है और उसे अपने साथ हॉट एयर बैलून पे फ्लाई करने के लिए कहती है। केट भी वहीं पे होती है, लेकिन उसे ऊंचाइयों से डर लगता है। ये देखकर रैन उससे कहता है अगर तुम्हें हाइट से डर लगता है तब मैं और मैग अकेले ही यहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन केट मैग और रैन को अकेले जाने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी इन दोनों के साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर जब हॉट एयर बैलून काफी ऊंचाई पे पहुंच जाता है तब केट को बहुत डर लगने लगता है। फिर उसके डर को कम करने के लिए रैन उससे बातें करने लगता है।
इसके बाद हम केट और मैक को एक कॉफी शॉप में देखते हैं। यहाँ उन्हें मालूम चलता है रैन यहाँ से जा रहा है। ये जानने के बाद दोनों रैन के पास पहुँच जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? रैन उन्हें बताता है वो शादी में जा रहा है। इसके बाद केट और मैक उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। रैन भी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद ये तीनों एक टैक्सी में बैठ जाते हैं। उस टैक्सी ड्राइवर का नाम जॉन होता है। जॉन को मैग काफी पसंद आती है, लेकिन मैग पीछे बैठकर रैन के साथ मजे कर रही थी। यहाँ पे वो रैन के हाथों में लोशन लगाने लगती है। ये देखकर केट को काफी गुस्सा आता है और वो जलन में आकर रैन को मैग की एक गंदी सी फोटो दिखाती है। केट के इस हरकत से मैग को उस पे काफी गुस्सा आता है। इसके बाद ये लोग एक गैस स्टेशन में रुकते हैं। गैस स्टेशन में केट बाथरूम के लिए जाती है, लेकिन मैग बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और बाहर आकर रैन के साथ गंदी बातें करने लगती है। फिर केट किसी तरह बाथरूम के खिड़की से बाहर आती है, लेकिन बाहर आते समय वो कूड़े के ढेर में गिर जाती है और इस वजह से उसके पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। ये देखकर रैन उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? केट रैन को बताती है, किसी ने मेरे बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया था और मैं अच्छे से जानती हूँ ये काम किसका है। इसके बाद केट वहीं पे अपने कपड़े को साफ करती है और फिर वो गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में केट रैन से कहती है, मेरा गर्दन दर्द हो रहा है। ये सुनकर रैन उसके गर्दन को सहलाने लगता है और वो उसकी मसाज करने लगता है, लेकिन मैक को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है और वो अंदर ही अंदर केट से जल रही थी। फिर मैक शैंपेन के बॉटल में नींद की दवा मिला देती है और वो उसे केट को पीने के लिए देती है, लेकिन केट शैंपेन पीने से मना कर देती है। तभी जॉन उस बॉटल को ले लेता है और वो उस शैंपेन को पीने लगता है। ये देखकर मैग उससे कहती है, तुम्हें ड्राइव करते समय नींद आ सकती है। ये सुनकर जॉन मैग से कहता है, मैं काफी सालों से ड्राइव कर रहा हूँ और मैं पहले भी ड्रिंक करके ड्राइव कर चुका हूँ। थोड़ी देर के बाद रात हो जाती है और गाड़ी में सभी लोग सो जाते हैं। इसी बीच जॉन को भी नींद आ जाती है और वो रोड में लगे एक बोर्ड को उड़ा देता है। झटके की वजह से सभी की नींद खुल जाती है। थोड़ी देर बाद ये लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन होटल के अंदर जाने से पहले केट उस शैंपेन के बॉटल को देखती है। उस बॉटल में काफी सारे स्लीपिंग पिल्स होते हैं। ये देखकर केट मैक पे काफी गुस्सा होती है। फिर वो गुस्से में आकर अपना अलग रूम ले लेती है। इधर हम मैक को देखते हैं, वो अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी यहाँ पे जॉन आता है और वो यहाँ पे मैग से बातें करने लगता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद जॉन यहाँ से चला जाता है। फिर हम केट को देखते हैं। रैन उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाता है। यहाँ पे रैन केट से कहता है, मैं कब से तुमसे अकेले में मिलना चाहता था। इसके बाद दोनों यहाँ पे रोमांटिक बातें करने लगते हैं। बातें करने के बाद दोनों रूम में जाते हैं और रूम में आने के बाद दोनों जमकर घपाघप भी करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैग केट के पास आती है और वो कहती है, हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। यहाँ पे केट मैग से कहती है, मैंने रात में रैन के साथ घपाघप किया है। ये सुनने के बाद इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है। तभी जॉन यहाँ पे आ जाता है और वो इन दोनों से कहता है, रैन शादी में जाने के लिए मेरी गाड़ी लेकर भाग गया। तभी जॉन के पास एक मैसेज आता है और उसे ये मालूम चलता है, जॉन किसी और की नहीं बल्कि अपनी शादी में गया है। इसके बाद ये लोग पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, रैन ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी और वो अब किसी और लड़की की जिंदगी खराब करने के लिए गया है। इसके बाद ये दोनों भी रैन की शादी में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ आने से पहले ही रैन की शादी हो गई थी। इन दोनों को यहाँ देखकर रैन यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर उससे पूछते हैं, तुमने हम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया? इस पर रैन इन दोनों से कहता है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि तुम दोनों ही मेरे से फ्लर्ट कर रही थी। तभी रैन की वाइफ भी यहाँ पे पहुँच जाती है और वो रैन के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती। इसके बाद ये दोनों भी यहाँ से लौटने लगते हैं। फिर हम मैक को देखते हैं, वो जॉन के पास जाती है और वो जॉन को किस करने लगती है। फिर मैक केट के पास आकर उससे कहती है, हम दोनों को पहले के जैसे रहना चाहिए। और इसके बाद दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। फिर हम मैग और जॉन को देखते हैं। इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर हम केट को देखते हैं, वो वापस अपने स्कूल में जाती है। यहाँ पे प्रिंसिपल उसका प्रमोशन कर देते हैं क्योंकि केट के पढ़ाने का तरीका काफी यूनिक था और ये बात प्रिंसिपल को पहले समझ में नहीं आई थी। इसके बाद हम केट और मैग को देखते हैं। दोनों अब पहले के जैसे रहने लगती हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।